सरोकार। जांजगीर में बीजेपी ने किया कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में सांसद सोनी ने कांग्रेस पर बोला हमला। बलरामपुर में संक्रांति पर्व उत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल, कई करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। अंबिकापुर में पतंग उत्सव का आयोजन, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कार्यक्रम में पहुंचे। रायपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बीजेपी बन निशाना, बीजेपी धर्मांतरण का कार्ड खेलती है। महासमुंद में मुखबिर की सूचना पर दो अवैध तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 80 किलो गांजा बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलरामपुर जिले के तातापानी पहुंचे, उन्होंने वहां संक्रांति पर्व में आयोजित उत्सव का शुभारंभ किया। यह उत्सव 3 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम में सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तातापानी स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर तपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना किया। इसके बाद सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित होकर 501 विवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया। साथ ही जिले में 976 करोड़ 45 लाख के 1,707 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी क्षेत्रवासी को मकर संक्रांति की बधाई दी। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, देश में संविधान और कानून, इसको सबको पालन करना है। जो भी धर्मांतरण करेगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक ही धर्मांतरण बस्तर में नहीं हुआ है, उसके बावजूद बीजेपी के पेट में दर्द आखिर क्यों हो रहा है? जबरन धर्मांतरण होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आदिवासी और छत्तीसगढ़िया लोगों को बदनाम करने का काम बीजेपी कर रही है। उन्होंने कहा कि राजनीति रोटी सेकने के लिए बीजेपी केवल राम मंदिर और धर्मांतरण का कार्ड खेलती है। 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। सरगुजा सेवा समिति के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दरअसल हर साल पतंग उत्सव का आयोजन शहर के मल्टीपर्पज स्कूल के प्रांगण में किया जाता है। इसी कड़ी पतंग उत्सव में पतंग काटो और फैंसी पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस पतंग उत्सव में इंडोनेशिया की उड़ने वाली पतंग आकर्षण का केंद्र रही। इस कार्यक्रम के समापन पर पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विजेताओं को पुरस्कार कर वितरित किया। मैं मजे के साथ पतंग उड़ाते हैं, खूब इसमें लोग उत्साह के साथ भाग लेते हैं। पतंग उड़ाना भी एक कला है जो हर किसी को नहीं आता है। आपने भी पतंग उड़ाया? मेरा पतंग अक्सर कट जाता है, तो मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि शहर में एक अच्छा माहौल बनता है, सब लोग मिलजुल कर किस आयोजन में भाग लेते हैं। जांजगीर में भाजपा के निर्देशानुसार मंडल और ग्रामीण मंडल के ग्राम कापन में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रायपुर के सांसद सोनी मौजूद रहे। सांसद सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाकर गरीबों के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया है, ताकि गरीबों को पक्का मकान मिल सके। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के गांव गांव में मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखा है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने राज्यांश के नाम पर 16 लाख से अधिक गरीब परिवारों का प्रधानमंत्री आवास रोक दिया गया है, इसलिए आज गांव गांव में यह नारा गूंज रहा है। वादे किए थे उसको सब नकारा सिद्ध हो रहे हैं। यहां तक कि जो केंद्र का पैसा है उसको भी खर्च नहीं कर पा रहे, उसमें भी भ्रष्टाचार है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में आवास जो है वो लोगों का 4 साल में एक भी नया नहीं मिला,
जिनको पहली किस्त मिली थी, दूसरी किस्त नहीं मिली, तीसरी किस्त नहीं मिली। कोरिया जिले में एसपी के निर्देश पर 11 जनवरी से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बैकुंठपुर के प्रमुख चौराहों में एनएसएम के स्वयंसेवक और एनसीसी के वॉलंटियर्स को यातायात नियमों, संकेतों और चिन्हों की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि जिले में ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर यातायात प्रशिक्षक लॉन्स नायक डॉक्टर महेश मिश्रा ने स्वयंसेवकों और कैंडिडेट्स को नियमों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर यातायात व्यवस्था ड्यूटी के लिए आपकी सेवाएं ली जाएंगी। इस दौरान पुलिस द्वारा हेलमेट जागरूकता रैली भी निकाली गई, जो कि उप पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में निकाली गई। सरगुजा जिले के लखनपुर से परसोड़ी कला के बीच ग्रामीणों द्वारा एक पुल की मांग की गई थी, जो 7 साल बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है वो जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर अपने स्थान पर जाते हैं। वहीं सरगुजा कलेक्ट्रेट कुंदन कुमार ने कहा कि ठेकेदार को नोटिस दिया जाएगा और जल्द ही निर्माण कार्य कराने को कहा जाएगा। सीधा जाती जमकाला लटोरी कहती ये रोड है कैसे कथा तुम तो वही तो आई में किंदार था ना कि डोंगा में आता तो कैसे खतरा बना रहा तो वही तो मिशन नियर है पौंड था का कर तो अजय कहां जाता अजय ससुरारी जा थी अच्छा तो पानी में नहीं तो बाइक में ही में डाक अब का कर नदी में हां काहे की दीदी का ससुराल है वहां ना तो आने जाने में बहुत तकलीफ होता है यहां तो कैसे आप लोग जाते हैं बस यही ढोंगा सोंगा से जाते हैं और किसी दिन तो पानी में भी चल जाते हैं ये कब से आप लोग मांग कर रहे हैं मांग तो बहुत दिन का है लेकिन अब देख रहे हैं पुल ऐसा स्थिति है कि बन नहीं पा रहा है कला में बन रही है 2016 से जैसा आप बता रहे हैं तो उसमें निर्माण एजेंसी को एक बार उनको ताकीद किया जाएगा और उस काम को जल्दी से जल्दी कम्प्लीट कराने का प्रयास करेंगे जिससे कि स्थानीय ग्रामीणों को सुविधा जल्दी मिल जाए महासमुंद के बसना में किसानों से धान खरीद केंद्र पर घपला किया जा रहा है। यहां किसानों से प्रति बोरे पर से 1.5 किलो अधिक धान लिया जा रहा है। बता दें किसान सुंदर सिंह निषाद जब अपना धान बेचने के लिए खरीद केंद्र आए तो उनसे अधिक धान लिया गया। जब इस संबंध में किसान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ज्यादा ध्यान नहीं देने पर धान नहीं लिया जाता है, किसानों की मजबूरी है, धान बेचना है, इस वजह से ज्यादा दे रहे हैं। मामले पर जब हमने धान खरीदी केंद्र के प्रभारी वृंदा प्रसाद खूटे से बात की तो उन्होंने कहा कि 4-5 जगह कांटा लगा कर तौल दिया जाता है, हर जगह एक नहीं जा सकता, आध जगह गलती से ज्यादा चला गया होगा जिसकी जांच की जाएगी। तो आप जो धान तौलवा रहे हैं खड़े होकर, इसमें धान जो है 1.5 घर मेरा ज्यादा जा रहा है, आप लोग को तकलीफ नहीं हो रहा? तकलीफ तो होगा भाई, तो आप लोग क्यों झोंकते लेते हैं बोलते हैं, तो आपके हिसाब से सही है इतना? आप सही और गलत तो किसान लोग ये सही और गलत में फर्क नहीं जानते ना, ये तो सरासर गलत है, 1.5 करोड़ धान से फोकट थोड़ी आता है जी। तो आप लोग क्या धान तौलने काम करते हो? हाँ। तो आप लोग जो धान तौल रहे हो इसमें देख रहे हैं कि 1-1 पैकेट में 1-1.5 घमेला धान ज़्यादा नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों तौल रहे हो? निकल जा रहा कि सब में नहीं हो रहा है कि आप लोग का सब बोला गया ज़्यादा झुकती लेना है करके? नहीं नहीं तो आप प्रभारी कौन सा धान खरीदेंगे? धान खरीदी प्रभारी तरह के आपके तरह के धान खरीदी केंद्र में देखा जा रहा है किसानों का जो धान लिया जा रहा है उसमें भी सामने में तौल कराया गया, उसमें 1 पैकेट में 1-1.5 घमेला धान ज़्यादा नहीं कर रहा है, क्यों ले रहे इतना ज़्यादा? ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं, मतलब ज़्यादा हो गया होगा तो जाँच कराऊँगा जो भी है सब। सक्ति के हौसौद थाना क्षेत्र के रहने वाले किसान के पैरावट में अचानक आग लग गई। आग तेजी से पैरावट में फैल गई। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक पैरावट पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। बताया जा रहा है किसी अज्ञात व्यक्ति ने कपड़े को जलाकर पैरावट में फेंका था, जिसके बाद पैरावट में आग लगी है।
महासमुंद के सरायपाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ठगी कर फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना सरायपाली थाने में एक व्यक्ति ने शशि कुमार तांडी और पदमराज यादव के खिलाफ नौकरी के नाम पर 7 लाख की ठगी करने की शिकायत की थी। पुलिस द्वारा जब मामले की जांच की गई तो उसके आरोप सही पाए गए। पुलिस ने ठगी में संलिप्त एक आरोपी शशि कुमार तांडी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किया है, क्या मामला? ये 2019 में प्रीतनडीह निवासी उत्तम बारिक से उसकी बेटी को एम्स में नौकरी लगा दूंगा करके शशि तांडी और पद्मराज यादव इन्होंने 7 लाख रुपए लिया था और फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया था। शशि तांडी की गिरफ्तारी घटना के कुछ दिनों बाद हो गई थी और पद्मराज यादव फरार था। इसका पता चला कि ये रायपुर में है। पुलिस टीम द्वारा जाकर इसको रायपुर से गिरफ्तार कर महासमुंद के बसना थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके कब्जे से 7 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। दरअसल बसना थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति शहीद वीर नारायण सिंह चौराहे पर अवैध मादक पदार्थ लिए खड़े हैं। पुलिस ने आनन फानन में घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। उनसे पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम सारोंगो बाग और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम जगन्नाथ विश्वाल बताया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुखबिर से सूचना आया कि 2 लोग वीर नारायण सिंह चौक पे गांजा रख के बस के इंतजार में बैठे हैं, तो उसकी सूचना पे हमारे स्टाफ द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए जाके तस्दीक किया गया। तो उनसे पूछताछ किया गया, बताया गया गुलिये भी, तो उनके बैग में 2 बैग थे जिसमें एक में 4 किलो एक में 3 किलो लगभग 7 किलो गांजा उनके पास से मिला, जिनको विधिवत जब्ती कर कार्रवाई कर लाया गया। मैम आरोपी कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से गांजा ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे? आरोपी भद्रापाली के रहने वाले हैं और ये रायपुर ले जाना बता रहे हैं। महासमुंद में एसपी धर्मेंद्र सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ओडिशा से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर जिले में लाया जा रहा है, जिसके बाद एसपी ने पुलिस टीम को जिले में प्रवेश करने वाली हर गाड़ी की चेकिंग करने के निर्देश दिए, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिल गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार रोकी जिसमें 2 लोग संदिग्ध पाए गए। उनसे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उन्होंने सब कबूल कर लिया। पुलिस को उनके कब्जे से 80 किलो गांजा मिला। उसके साथ ही उनके पास से पुलिस को कई लाख रुपए कैश भी मिले। पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था, जिस क्रम में दिनांक 13 तारीख को गांजा परिवहन रोकने के लिए नाकेबंदी की गई और इसमें एक ह्युंडई क्रेटा गाड़ी जिसका वाहन क्रमांक CZ04LK5040 जो बरगढ़ उड़ीसा से महासमुंद की ओर जा रही थी, इसमें 2 व्यक्ति जो जिनका नाम धर्मेंद्र कुमार मौर्य निवासी अनूपपुर और शुभम यादव निवासी अनूपपुर, ये आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।